हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ की सीरीज है, इस पे 5 स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि 5 स्टॉक अभी मार्केट सिनारियो पे जो इस हिसाब से ट्रेडिंग हो रहा है, ये स्टॉक को अभी हम मार्केट प्राइस पे कंसिडर करके चल सकते हैं। अभी आने वाले टाइम पे हमें बहुत अच्छा सा मुनाफा देखने को मिल सकता है स्विंग ट्रेड में, ठीक है। इसमें अलग अलग रेंज भी मैं आपको बताऊंगा, इसमें कि एक शॉर्ट टर्म रेंज रहेगा और एक लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म मीन्स एक पोजिशनल रेंज रहेगा। इसी हिसाब से आपको कौन सा रेंज के लिए बाई करना है तो इस वीडियो में जरूर आप देख लीजिए, और कोई भी स्टॉक आप बाई कर रहे हैं ना, उसमें खुद का एनालिसिस जरूर कर लीजिए, उसी बेस पे आप स्टॉक को बाई कीजिए। फ्रेंड्स, अगर हम देखेंगे तो अभी के मार्केट सिनारियो में बहुत सारे स्टॉक है जो कि अभी करंट मार्केट प्राइस में बहुत बढ़िया सा वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, ठीक है। इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में आपका पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक है तो अगर आप उसका टारगेट देखना चाहते हैं, यहाँ पे जाके जरूर चेक कर सकते हैं, जो कि हमने बहुत स्टॉक के बारे में एनालिसिस किया हुआ है। फ्रेंड्स, जो स्टॉक का एनालिसिस मैं जिस टाइम पे करता हूँ, उस स्टॉक का थोड़ा सा एनालिसिस खुद भी देख लीजिए, और किस बेस पे मैं स्टॉक को बता रहा हूँ उसका भी थोड़ा सा देख लीजिए। उसी बेस पे स्टॉक को अगर बाय करके चलते हैं, उसके बाद में उस स्टॉक को होल्ड करना ही बहुत जरूरी है। अगर स्टॉक को आप होल्ड नहीं करेंगे पेशेंस के साथ में, फिर पैसे नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैंने हिंदुस्तान फूड का 1 महीना पहले मैंने बताया था, ये स्टॉक जब भागेगा ना तब रुकेगा नहीं, ठीक है ना। अभी वो वक्त आ चुका है, अभी उसी हिसाब से हमें एंजॉय करने का जरूरत है, ठीक है। तो उसी टाइम पे आप बाय कीजिए और स्टॉक को बढ़िया से होल्ड करके रखिए, ठीक है। आपका बढ़िया पैसा बनेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई मतलब इतना ये नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपका अगर पेशेंस के साथ में एक अच्छा सा स्टॉक को होल्ड करेंगे ना, तो आपका पैसा बनता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से अभी जो पहला स्टॉक के बारे में बात करेंगे, उस स्टॉक का नाम है वैभव ग्लोबल है। फ्रेंड्स, अगर वैभव ग्लोबल की बात किया जाए तो यहाँ पे ये जो मार्केट कैप इसका है 8,800 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। अभी अगर आरओसी की बात करेंगे, 35 का आरओसी है, और यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 58 है, और अगर ऑल टाइम हाई की बात करेंगे 1058 है। स्टॉक ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 50% टूट चुका है, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में डेट भी इतना ज्यादा नहीं है, जो कि 0.14% का डेट है। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में अभी अगर करंट सिनारियो पे अगर आप बाई करके चलेंगे, आने वाले टाइम पे एक बढ़िया सा आपको टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर टारगेट की बात करेंगे, उससे पहले एक बार देख लेते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कितना परसेंटेज का डिलीवरी उठाया गया। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करेंगे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.49% का स्टॉक में तेजी था। अगर हम ट्रेडेड क्वांटिटी देखेंगे, 1,49,000 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है, और डिलीवरी क्वांटिटी की अगर बात करेंगे, 93,000 क्वांटिटी यहाँ पे उठाया गया, जो कि 62% का डिलीवरी उठाया गया है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसी हिसाब से स्टॉक में टारगेट क्या रह सकता है, अगर हम वैभव ग्लोबल की बात करेंगे यहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में आपको ये जो टारगेट ना इमीडिएटली अचीव हो सकता है। ये जो पहला टारगेट आप अगर यहाँ तक लेके चलते हैं स्टॉक में, बड़ा इजीली और बहुत जल्दी भी ये टारगेट आपका अचीव हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ तक का ये स्टॉक में टारगेट लेके चलते हैं, ये जो टारगेट है आपको ये 3 मंथ्स में भी अचीव हो सकता है, ठीक है। 3 मंथ्स के उससे पहले भी ये टारगेट अचीव हो सकता है। अगर वहाँ तक का भी अगर आप गेन देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको 30% का गेन मिल सकता है, जो कि अगर 700 प्राइस तक अगर स्टॉक में पोजीशन बना के रखते हैं तो, ठीक है। अगर नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे, मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में आप यहाँ तक का नेक्स्ट टारगेट लेके चल सकते हैं, या तो फिर ऑल टाइम हाई तक भी लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर ऑल टाइम हाई तक अगर स्टॉक में आप पोजिशन बना के चलेंगे, इसका टाइम रेंज हो सकता है आपको 1 साल भी लग जाए, ठीक है, 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा भी लग जाए, क्योंकि इसका गेन परसेंटेज भी देख लीजिए कितना परसेंटेज का गेन है। अगर ऑल टाइम हाई तक अगर स्टॉक में पोजीशन बना के चलेंगे, आपको 92% का गेन मिल सकता है। फ्रेंड्स, वही कंपनी को आप चूज कीजिए जो कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। हमें कोई मतलब ऐसा जो फंडामेंटली वीक कंपनी है, जैसे कि पेनी स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कोई भी स्टॉक लीजिए, पेनी स्टॉक लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेनी स्टॉक में अच्छे से क्वालिटी स्टॉक को भी आप सिलेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये स्टॉक में भी मुझे लगता है आप इस स्टॉक को कंसीडर कीजिए, आपको 92% का गेन मिल जाएगा। हो सकता है आपको 1 साल लग जाए, हो सकता है 1.5 साल लग जाए। स्टॉक को एक बार बाय कर लिए फिर होल्ड कीजिए, ये आपको परसेंटेज गेन जरूर मिलेगा, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फास्ट टारगेट में अगर आप निकलना चाहते हैं तो 30% का टारगेट आपका मिल सकता है, जो कि 3 मंथ्स में 705 का टारगेट लेके चलिए फास्ट टारगेट की, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट स्टॉक है
यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जो बात करेंगे वो स्टॉक भी काफी टूट चुका है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेक्टर फूड के बारे में मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। इस स्टॉक में अगर हम देखेंगे ना, ये स्टॉक में जब से ये लिस्टिंग हुआ है उसके बाद में स्टॉक में बिल्कुल तेजी नहीं है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे 99 जो 594 से लेके स्टॉक अभी तक ट्रेडिंग हो रहा है, डाउन ट्रेंड में है। तो लेकिन ये कंपनी कोई बुरा नहीं है फ्रेंड्स। अगर कंपनी का प्रॉफिट भी आप देखेंगे ना, प्रॉफिट ग्रोइंग होते जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रेवेन्यू भी, सेल्स भी ग्रोइंग होते जा रहा है। ठीक है, प्रमोटर का होल्डिंग भी ठीक है, जो कि 51% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। आने वाले टाइम पे ये आपका पैसे को डबल कर सकता है, क्योंकि मार्केट कैप देखिए, छोटा सा कंपनी है जो कि 2200 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आरओसी की बात करेंगे, 21% का आरओसी है। डेट इतना ज्यादा नहीं है कंपनी के ऊपर। अगर डेट की बात करेंगे, 0.3% का डेट है। स्टॉक एक अच्छा करेक्शन पे स्टॉक आपको मिल रहा है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है ये स्टॉक को अभी अगर आप कंसिडर करके चल सकते हैं, अपने आपका पोर्टफोलियो में एक थोड़ा सा अच्छा सा गेन देखने को मिल सकता है। तो अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर डिलीवरी की बात करेंगे इस स्टॉक में, देखिए यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे 72,000 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है। यहाँ पे 49% का डिलीवरी उठाया गया है, जो कि बेहतरीन डिलीवरी हम इसको मान सकते हैं। तो इसी हिसाब से यहाँ पे 67% का डिलीवरी उठाया गया है स्टॉक में। तो आप इस स्टॉक को भी अभी करंट सिनेरियो पे कंसिडर करके चल सकते हैं। अगर इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे, अगर आप इस स्टॉक को अभी भी कंसिडर करके चलते हैं, तो एक अच्छा सा आपको गेन मिल सकता है। जो कि फर्स्ट टारगेट की अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, आप पहला टारगेट यहाँ तक का लेके चल सकते हैं, जो कि 461 है। 461 तक पहला टारगेट अगर लेके चलते हैं ये स्टॉक में, आपको कितना परसेंटेज का गेन मिलता है एक बार देख लेंगे फ्रेंड्स। अगर इसी हिसाब से अगर आप चलेंगे तो यहाँ पे 22% का गेन मिल सकता है। ये मुझे लग सकता है, लग रहा है कि ये जो 21% का गेन है बहुत जल्दी आपको अचीव हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, ये स्टॉक को आपको रखना चाहिए अपना पोर्टफोलियो में। ये आपका पोर्टफोलियो को अच्छा से ग्रोथ दे सकता है और डबल भी करा सकता है। अगर आप ऑल टाइम हाई तक का स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक 64% का गेन मिल सकता है। क्योंकि स्टॉक देखिए यहाँ पे, अगर आप देखेंगे स्टॉक जब से लिस्टिंग हुआ है ना, तब से ये कंसोलिडेशन फेज में रहा है। ठीक है, किसी भी वक्त स्टॉक में एक बड़ा सा तेजी आ सकता है। उस टाइम पे अगर अभी आप ये स्टॉक में पोजीशन बना के बैठेंगे तो एंजॉय को आप रैली कर सकते हैं। वहां पे जो रैली रहेगा तो उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। सॉरी मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो रैली रहेगा उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान फूड्स में हुआ है, जैसे भारत रसायन में हुआ है, ऐसा सब होता है। जब कंसोलिडेशन हो जाता है ना, उसके बाद में रैली आता है। तो इसी हिसाब से मुझे लगता है ये स्टॉक में आप कंसिडर करके चल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि एजिस लॉजिस्टिक है। फ्रेंड्स बहुत बार इस स्टॉक के बारे में बात किया हूँ, काफी सारे फ्रेंड्स जो रेगुलरली वीडियो देखते हैं वो भी बोर हो जाएंगे, बोले कितना बार आप बोलते हो फ्रेंड्स। ये सही बात है, स्टॉक जब भागेगा ना उस टाइम पे रुकेगा भी नहीं, ये भी सच्चाई है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है स्टॉक में अभी तक भी आपने पोजिशन नहीं बनाया, पोजिशन बना लीजिए, क्योंकि एक 7,900 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। अगर हम आरओसी की बात करेंगे, 16% का आरओसी है। प्रमोटर का होल्डिंग 58% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। ऑल टाइम हाई देखिए, 394 का ऑल टाइम हाई है। और स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है 227 के पास में, स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से स्टॉक बहुत एक चीप वैल्यूएशन पे स्टॉक चल रहा है। ये स्टॉक को अभी अगर आप कंसिडर करके अपना पोर्टफोलियो में चलते हैं, एक बढ़िया सा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करेंगे एजिस लॉजिस्टिक में, देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर हम बात करें, स्टॉक में अच्छा सा तेजी देखने को मिला था। तो यहाँ पे 5.54% का तेजी देखने को मिला था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अगर हम स्टॉक में डिलीवरी देखेंगे, 20,70,000 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है। यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया है 9.32%, सॉरी 9,32,000 क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया, जो कि 45% का डिलीवरी स्टॉक में उठाया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में अभी भी आप बिल्कुल नजर रख सकते हैं। ये स्टॉक में अपना होल्डिंग लेके बना के चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आने वाले टाइम पे एक बढ़िया सा मुनाफा देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर हम इसके टेक्निकल पैटर्न की बात करेंगे फ्रेंड्स, मुझे तो ऐसा लगता है ये स्टॉक में आपको रखना चाहिए ऑल टाइम हाई तक, क्योंकि स्टॉक जिस हिसाब से कंसोलिडेशन हुआ है ना, ये आपको ऑल टाइम हाई भी बिल्कुल आपको अचीव करा के दे सकता है। देखिए इतना बड़ा सा जब कंसोलिडेशन हुआ है ना, जब स्टॉक फिर भागेगा उस टाइम पे अगर आप होल्ड करेंगे ना, तो आपको ये जो
कंसोलिडेशन का फायदा मिलेगा, ठीक है। इतना बड़ा सा जो कंसोलिडेशन हुआ है ना, और यहाँ पे इतना बड़ा सा वॉल्यूम उठाया गया, वो भी आप देख लीजिए कितना अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप यहाँ पे भी पोजीशन बना के चलते हैं कल की मार्केट सिनारियों पे, अगर ऑल टाइम हाई तक अगर स्टॉक में पोजीशन बना के चलते हैं, फिर भी एक 75% का गेन का प्रोबेबिलिटी है स्टॉक में। लेकिन ऐसा हो सकता है स्टॉक में आपको 1 साल से 75% का गेन नहीं मिले, 50% का मिले, लेकिन हो सकता है 1.5 साल में कवर भी हो सकता है। लेकिन बहुत अच्छा सा स्टॉक है, मुझे लगता है बढ़िया सा आपको गेन मिल सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे तो ऐसा भी और एक पैटर्न यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, जैसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिवर्स सडन शोल्डर बन भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेफ्ट शोल्डर बन रहा है, उसके बाद में यहाँ पे हेड बन रहा है, उसके बाद में फिर राइट शोल्डर बनेगा, फिर उसके बाद में स्टॉक और भी बढ़िया से रैली दिखा सकता है, ठीक है। तो ये स्टॉक में अपना पोजिशन बना सकते हैं आप। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि मेरा पोर्टफोलियो में भी है, और जो भी स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सारे स्टॉक को मैंने अपना पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये सारे स्टॉक सही है, आप भी रखिए, आप देख लीजिए खुद का एनालिसिस के बेस पे। मैं तभी आपको स्टॉक को बता पा रहा हूँ कि जब टारगेट हिट होता है, क्योंकि मैं अपना पोर्टफोलियो में लेके चलता हूँ, जब प्रॉफिट बुकिंग होता है तभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। गुडियर इंडिया कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि टायर इंडस्ट्रीज के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर ये कंपनी एक देखेंगे, एक छोटा सा कंपनी है, 2200 करोड़ का मार्केट कैप है, और पी देखिए 14.5 का पी पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से है ये स्टॉक का आरओसी, देखिए 20 का आरओसी है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा, मुझे लगता है यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा गेन दे सकता है आपको। अगर आपने ये स्टॉक को नहीं लिया, यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग देखिए 70% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, डेट देखिए 0.02% का डेट है, ऑल टाइम हाई देखिए यहाँ पे है 1332 के पास में, ऑल टाइम हाई है। अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 995 के पास में। तो ये स्टॉक में भी आप अपना पोजिशन बना के चल सकते हैं, आपको एक बढ़िया सा गेन देखने को मिल सकता है आगे आने वाले दिनों में। बहुत बढ़िया सा स्टॉक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक में, ठीक है। तो ये स्टॉक को भी अपना पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे गुड ईयर में कितना परसेंटेज का डिलीवरी उठाया गया है, देखिए अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करेंगे, 4070 क्वांटिटी ओनली ट्रेडिंग हुआ है, इसमें 2911 क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया, जो कि 71% का डिलीवरी निकल करके आता है। तो इस हिसाब से अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करेंगे, यहाँ पे एक अच्छा सा कंसोलिडेशन हुआ है फ्रेंड्स। देखिए ये स्टॉक जिस हिसाब से कंसोलिडेशन हुआ है ना, तो मैं आपको खुद भी बोला था कि ये स्टॉक में बहुत अच्छा सा रैली आ सकता है, बहुत जल्दी आपका टारगेट अचीव हो सकता है, जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको बताया था। लेकिन स्टॉक में फिर से कंसोलिडेशन हुआ है, लेकिन फिर भी अभी तक आपने ये स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में कंसिडर नहीं किए हैं फ्रेंड्स, अभी कंसिडर कर लीजिए, बहुत बढ़िया सा टाइम है, कंपनी कोई बुरा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन सेम टाइप में कंसोलिडेशन हुआ था, वहाँ पे सेम टाइप में कंसोलिडेशन हुआ था हिंदुस्तान फूड में, अगर आप देखना चाहेंगे मैं आपको इसके बाद में बताता हूँ, ठीक है। ऐसे सेम टाइप में कंसोलिडेशन जब होता है ना, जब बहुत बढ़िया सा एक्यूमुलेशन यहाँ पे किया जाता है, तो यहाँ पे उसी हिसाब से एक्यूमुलेशन मुझे लगता है पूरा हो चुका है। अगर अभी आप इसमें पोजीशन बनाएंगे, आप ऑल टाइम हाई तक यहाँ पे रख सकते हैं, अगर यहाँ तक, सॉरी ऑल टाइम हाई मीन्स यहाँ तक 1327 तक अगर स्टॉक में पोजीशन बना के चलते हैं, आपको 34% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स। जहाँ पे मैं हमेशा 30% की बात कर रहा हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है आपको 6 मंथ्स में 30% का गेन मिल सकता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है 3 मंथ्स की जगह में 9 मंथ्स में भी 30% का गेन मिल सकता है। लेकिन हमारा जो टारगेट है, 1 साल में हम 30% का जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो 30% हमारा फुलफिल हो ही जाता है, ठीक है, स्विंग ट्रेड में। तो आप इसको अपना पोर्टफोलियो में कंसिडर करके चल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल क्या है हिंदुस्तान फूड्स में, देखिए देखिए हिंदुस्तान फूड में भी ऐसे ही कंसोलिडेशन है, आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, देखिए कितना बढ़िया से यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है। तो ऐसा जब सब कंसोलिडेशन होता है ना, ये सब कंसोलिडेशन में बहुत बढ़िया से यहाँ पे एक्युमुलेशन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक क्या है, भागता है, बहुत जल्दी से भागता है कुछ दिन के बाद में, ठीक है। ये स्टॉक भी, ये जो स्टॉक मैंने बताया यहाँ पे गुड ईयर का, उसका भी वही सेम सिचुएशन है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि एक फार्मास्यूटिकल के साथ में जुड़ा हुआ है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है और एक डेट फ्री कंपनी है, स्टॉक का नाम है अस्ट्राजेनिका है।
फ्रेंड्स ये एस्ट्राजेनिका में अभी बहुत बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी बना हुआ है। प्रमोटर का होल्डिंग देखिए 75% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, 7600 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये स्टॉक में अगर हम देखते हैं अभी ROC 29 का है, डेट फ्री कंपनी है, ठीक है, डेट फ्री कंपनी है। अगर इसका ऑल टाइम हाई की बात करेंगे, यहाँ पे 4970 ऑल टाइम हाई है। अभी स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है, एक बहुत बढ़िया सा करेक्शन पे स्टॉक चल रहा है जो कि 3064 पे चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप पोजिशन बना के चल सकते हैं। और इसका जो टारगेट आपका रहेगा, मैं एक बार यहाँ पे इस स्टॉक में देखिए, इस स्टॉक में जिस हिसाब से यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है फ्रेंड्स, अगर ये एस्ट्राजेनिका के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये स्टॉक में भी मुझे लगता है एक बढ़िया सा गेन आपको दे सकता है। तो अगर अभी तक अगर आपका पोर्टफोलियो में हम आपने कंसीडर नहीं किया है स्टॉक को, अभी भी आप कंसीडर करके चल सकते हैं। आपको यहाँ तक का जो टारगेट है ना, आपको इजीली अचीव हो सकता है। देखिए मैं वही सेम पैटर्न है यहाँ पे, अगर यहाँ से लेके अगर अभी आप बॉटम की बात करेंगे, स्टॉक काफ़ी दिन से एक बॉटम बना चुका है, ठीक है। तो अगर अभी से अगर आप इस स्टॉक को लेके चलते हैं, ठीक है, रिस्क इतना ज़्यादा है ही नहीं। अगर रिवर्ड की बात करेंगे, अगर यहाँ तक का स्टॉक में पोजीशन बना के बैठते हैं आप, यहाँ पे 47% का गेन आपको मिल सकता है, ठीक है। तो 47% का गेन के लिए अगर ये स्टॉक में आपको एक साल भी लग जाए ना, तो भी कोई बुरा नहीं है, एक 47% का गेन है। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे एक साल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया सा माल उठाया गया है। जिसने माल यहाँ पे उठाया है ना, तो वो भी और कुछ माल यहाँ पे उठा के फिर से स्टॉक को यहाँ तक लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं रुकने वाला है स्टॉक, बहुत ऊपर तक जाएगा, ठीक है। ये स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में रखिए, ठीक है। अगर आप लॉस में भी है ना, तो इस स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में रखिए, ये आपको यहाँ तक जरूर दिखा सकता है बहुत जल्दी। शॉर्ट टर्म में ये टारगेट आपका अचीव हो सकता है, ठीक है। 6 मंथ्स भी स्टॉक में अपना होल्ड कर रखेंगे ना, तो आपको 47% का गेन मिल सकता है। अगर हम इसी में डिलीवरी की बात करेंगे एस्ट्राजेनिका में, देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में एक 52% का डिलीवरी उठाया गया। यहाँ पे 7980 क्वांटिटी ट्रेडिंग हुआ है, और यहाँ पे 4177 क्वांटिटी यहाँ पे उठाया गया, जो कि 52% का डिलीवरी क्वांटिटी उठाया गया है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक में भी आपको बढ़िया सा प्रॉफिट मिल सकता है। फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे कुछ सीखना है, तो यहाँ पे आप जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जरूर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट में अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो जरूर आप विजिट करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो कि जीरोधा में जीटी ट्रेडर कैसे लगाते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में हम कैसे एक अच्छा सा स्टॉक को सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोर्टफोलियो रिव्यू है, पोर्टफोलियो रिव्यू भी जरूर विजिट कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। अगर चैनल पर नया आप है, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।